अपनी सुविधा के हिसाब से खुश है। अच्छा, कोई कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को गलत ठहरा दिया, कोई कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को अतिक्रमण वाले बुलडोजर अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन को सही ठहराया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को लेकर जो बड़ी बात कही है ना, बड़ी बात मतलब अगर उन सभी का निचोड़ 7 शब्दों में अगर मैं कहूं, यह है कि अतिक्रमण पर बुलडोजर सही, बुलडोजर जस्टिस बिल्कुल नहीं। समझे, दोबारा से समझिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो आज कहा उसका निचोड़ यह है, अतिक्रमण पर बुलडोजर सही, ठीक, यस, बुलडोजर जस्टिस मतलब कोई आरोपी है, कोई दोषी है, इसलिए उसकी प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चला दिया, बुलडोजर जस्टिस बिल्कुल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को लेकर क्या क्या कहा ये बताने से पहले ना, आज ऐसा करते हैं, एक आपको बुलडोजर की एक अनोखी तस्वीर दिखाते हैं। ये देखिए आप तस्वीर। अच्छा, बुलडोजर एक्शन को लेकर क्या कुछ कहा सुप्रीम कोर्ट ने, एक बार फुल स्क्रीन पर दिखाइए तस्वीर। मैं दिखाता हूं इस तस्वीर की कहानी पीछे की, मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए आप, बुलडोजर से फूलों की वर्षा साहब, हरियाणा के फरीदाबाद की, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हरियाणा चुनाव प्रचार के लिए। और ये देखिए, हरियाणा चुनाव में भी बुलडोजर की एंट्री, बुलडोजर खड़े कर दिए गए लाइन से, और पुष्कर सिंह धामी के काफिले पर बुलडोजर से पुष्प वर्षा, सड़क के किनारे लाइन से बुलडोजर लगा दिए और पुष्कर सिंह धामी के स्वागत में उन पर पुष्प वर्षा। चलिए, अब आप फैसले की बात कर लेते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो लब्बोलुबाब ये है साहब कि अतिक्रमण पर बुलडोजर सही, बुलडोजर जस्टिस नहीं, बुलडोजर न्याय के लिए मतलब कोई आरोपी है इसलिए बुलडोजर चला दिया, वो सब नहीं चलेगा साहब। आज एक पक्ष इसलिए खुश है क्योंकि बुलडोजर एक्शन पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में बुलडोजर जस्टिस के महिमा मंडन की इजाजत नहीं दी जा सकती, ठीक। दूसरा पक्ष इसलिए खुश है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन नहीं रुकना चाहिए। अब होता यही है कि जब भी इस तरह का बुलडोजर चलता है तो चाहे योगी सरकार है, चाहे मध्य प्रदेश सरकार है, चाहे राजस्थान, अब तो तेलंगाना में भी बुलडोजर साफ चला, वैसे तेलंगाना में भी, तो सरकारों का पक्ष होता है चाहे कांग्रेस की चाहे बीजेपी की, अतिक्रमण था, अवैध था, इसलिए बुलडोजर चला है। उसका इस आरोप में कोई आरोपी आ गया इसलिए बुलडोजर से कोई कनेक्शन नहीं है, यही कहा जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि अतिक्रमण पर बुलडोजर ठीक है, मतलब वो भले ही मंदिर हो या मस्जिद या मजार, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, मंदिर हो या मस्जिद या मजार, जो भी विकास की राह में बाधा बने, अवैध अतिक्रमण हो, उसे हटाना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने, मतलब सेकुलर देश है ना, धर्मनिरपेक्ष, तो सभी पर लागू होगा, सभी पर लागू होगा, इक्वली लागू होगा, चाहे मजार है, मस्जिद है, मंदिर है, अगर अवैध अतिक्रमण है तो हटेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये टिप्पणियां उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत देश में बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिकाओं पर कही, समझिएगा। आज कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई पूरी कर ली है, इस मामले में गाइडलाइंस आने वाली हैं साहब, दिशा निर्देश को लेकर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि कोई भी फैसला आने तक सुप्रीम कोर्ट का पिछला अंतरिम आदेश जारी रहेगा। अब पिछला क्या था मैं आपको बताऊंगा, मतलब कुछ अपवादों को छोड़कर देश भर में बुलडोजर एक्शन रुका रहेगा, उस पर रोक रहेगी, अतिक्रमण पर चलता रहेगा। वैसे बुलडोजर एक्शन अगर वेंडेटा की वजह से या जस्टिस के नाम पर, न्याय के नाम पर चलता है, उस पर रोक रहेगी। इसी दौरान पहले से जारी आदेश के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पहला वाला आदेश तो क्या था पहला, मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिए। सार्वजनिक सड़कों पर हुए अतिक्रमण पर बुलडोजर, फुटपाथों पर अतिक्रमण बुलडोजर चलाइए, रेलवे लाइनों पर किए गए अतिक्रमण पर बुलडोजर, जल निकायों पर हुए अतिक्रमण पर और सार्वजनिक जगहों पर हुए अतिक्रमण पर बुलडोजर की कार्रवाई पहले की तरह चलती रह सकती है, वो भी नियमानुसार, वो भी नोटिस दिया जाए, पूरी प्रक्रिया का पालन किया जाए, वो भी नियमानुसार जो होता है वो ठीक है। अच्छा, बुलडोजर एक्शन मामले में सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भले ही सुरक्षित रख लिया हो, लेकिन पीठ ने निर्देशों को लेकर स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, एक एक शब्द को सुनिएगा, सब पर लागू होगा, सब पर, किसी विशेष क्षेत्र या समुदाय तक सीमित नहीं होगा, वो पूरे देश के सभी समुदायों पर एक साथ लागू होगा। कोर्ट ने क्या कहा, कोट अनकोट, अब सुनिए, कोर्ट ने कहा, हम एक धर्मनिरपेक्ष देश है, सेकुलर, ठीक, हम एक धर्मनिरपेक्ष देश है और हमारे निर्देश धर्म या समुदाय की परवाह किए बिना सभी के लिए लागू होंगे,
सड़क के बीच में कोई भी धार्मिक संरचना है, कोर्ट के शब्द सुनिए, सड़क के बीच में कोई भी धार्मिक संरचना है, चाहे वो गुरुद्वारा है, दरगाह है, मंदिर है, ये जनता के लिए बाधा नहीं बन सकता। मतलब कोर्ट ने आज एक तरीके से स्पष्ट किया कि बुलडोजर पर रोक तो रहेगी साहब, लेकिन इसमें अवैध अतिक्रमण शामिल नहीं होगा। अब आपको ऐसा करते हैं, बताते हैं कि कोर्ट में आज क्या क्या कुछ हुआ। जस्टिस वी आर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की बेंच ने आज मामले की सुनवाई की। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल यूपी, एमपी और राजस्थान, तीनों में बीजेपी की सरकार है, उनकी तरफ से कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने शुरुआत एक सवाल के साथ की और पूछा कोर्ट में क्या हुआ। अब एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। कोर्ट ने पूछा कि देखिए, भले ही किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया गया हो तो क्या अपराध में शामिल होना उसके घर पर बुलडोजर एक्शन का आधार हो सकता है? दोबारा से सुनिए सवाल को। कोर्ट ने पूछा कि भले ही किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया गया हो तो क्या अपराध में शामिल होना उसके घर पर बुलडोजर एक्शन का आधार हो सकता है? जवाब में सॉलिसिटर जनरल ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, अपराध का हिस्सा होना बुलडोजर कार्रवाई का आधार हो ही नहीं सकता, ऐसे मामलों में नोटिस जारी करना चाहिए। तुषार मेहता ने आगे कहा कि कोर्ट लिखित कह सकती है कि नोटिस रजिस्टर्ड डाक से दिया जाए ताकि ये चिपकाने का कारोबार बंद हो जाए और कार्रवाई के लिए प्राप्ति की तारीख से, मतलब जिस दिन से नोटिस मिल गया, प्राप्ति की तारीख से 10 दिन का समय दे दिया जाए, 10 दिन का समय। ठीक, कोर्ट में कहा कि फैसला लिखते समय कोर्ट ने कहा कि हम ये साफ कर देंगे साहब कि अगर कोई महज आरोपी या दोषी है तो बुलडोजर एक्शन इस आधार पर नहीं लिया जाना चाहिए कि वो इस मामले में आरोपी है, इस मामले में दोषी है। कोर्ट ने कहा कि हम अदालतों को यह निर्देश देंगे कि जब अवैध अतिक्रमण के मामले में सुनवाई कर रहे हो तो ध्यान रखें। इसके जवाब में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने क्या कहा? उन्होंने बताया कि ऐसे सिर्फ 2% मामले हैं, सिर्फ 2%। कोर्ट ने पूछा, ये सिर्फ कुछ या 2% मामलों की बात नहीं है, तोड़फोड़ की कार्रवाई वाले मामले 4.5 लाख के करीब है। अच्छा, इसके जवाब में फिर तुषार मेहता ने कहा कि 2% से मेरा मतलब बुलडोजर एक्शन का मैच 2% है, सिर्फ 2%। ठीक, ये सब आप समझ गए। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एक और बात कही, कहा कि अगर कोई निर्माण अवैध भी है, सुनिएगा एक एक शब्द को, कि लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए बुलडोजर, अगर कोई निर्माण अवैध भी है तो भी ये देखना अच्छी बात नहीं है कि महिलाएं और बच्चे सड़क पर हैं, बूढ़े सड़क पर आ गए हैं, हो सकता है कि वो वैकल्पिक व्यवस्था कर रहे हों। ये कोर्ट ने पूछा, मैं दोबारा से पढ़ देता हूं कोर्ट ने क्या कहा, सुनिएगा आराम से। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई निर्माण अवैध भी है तो भी देखना अच्छी बात नहीं है कि महिलाएं और बच्चे सड़क पर हैं, बूढ़े सड़क पर आ गए हैं, हो सकता है वो वैकल्पिक व्यवस्था कर रहे हो। जवाब में सॉलिसिटर जनरल ने क्या कहा? उन्होंने एतराज जताते हुए कहा कि आप सहूलियत देने की बात कर रहे हैं जो कि कानून में कोई शर्त नहीं है, सहूलियत देने की बात कर रहे हैं, कानून में ऐसी कोई शर्त नहीं। इस पर कोर्ट ने कहा कि हम सिर्फ उस कानूनी सहूलियत की बात कर रहे हैं जो पहले से ही है, हम पब्लिक प्रॉपर्टी पर अवैध अतिक्रमण की बात नहीं कर रहे हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी पर अवैध अतिक्रमण की बात नहीं कर रहे हैं, कोर्ट ने क्लियर किया। बहस के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि तत्काल न्याय की बात हम न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं, सुनिएगा बहुत इंटरेस्टिंग है ये। कोर्ट के अंदर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि तत्काल न्याय, इंस्टेंट जस्टिस की बात हम न्यूज़पेपर्स में पढ़ते रहते हैं, जिस पर जस्टिस गवई ने मुस्कुराते हुए कहा कि मतलब बुलडोजर जस्टिस। मतलब कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि देश में कहीं भी किसी भी हालत में अवैध अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे मामलों में बुलडोजर की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, अवैध अतिक्रमण उस पर बुलडोजर चलेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया, लेकिन सारी पार्टियां खुश है। मतलब सुप्रीम कोर्ट का ऐसा फैसला है, कांग्रेस कह रही है कि वो जीत गई, बीजेपी कह रही है कि उसके पक्ष में फैसला, समाजवादी पार्टी भी कह रही है उसके पक्ष में फैसला।